Hello dear students, welcome to Manik Smart Class. I am Pradosh Mishra and today our topic is short video on the concept position of adverb. तो आज का हमारा topic है वो है adverb के related, adverb के position के related. सबसे पहले इसको start करेंगे, but first thing first, अगर आपको कोई ये पूछे what is an adverb, आप क्या बताओगे? एक ऐसे word जो कि एक verb या फिर एक adjective को primarily क्या करे, modify करे, उसको हम adverb कहेंगे. नेक्स्ट आ गया उसका एडवर्ब का क्लासिफिकेशन. एडवर्ब को क्लासिफाई किया गया है ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में, सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब. अभी ये जो सिंपल एडवर्ब है उसको डिवाइड किया गया है इनटू अदर सब कैटेगरीज, जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री एक्सेट्रा. 7-8 तरीके के क्लासिफिकेशन है. आज के इस वीडियो में हमारा स्कोप इज रेस्ट्रिक्टेड टू डिस्कसिंग द पोजिशन ऑफ सम कॉमनली यूज टाइप ऑफ एडवर्ब. तो इसके ऊपर हम अभी स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले आप देख लीजिए एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस और मैनर. तो एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब आप बोर्ड पे फोकस कीजिएगा, मैंने एक वर्ड लिखा है व्हेन. प्लेस मतलब मैंने एक वर्ड लिखा है व्हेयर. मैनर मतलब मैंने वर्ड लिखा है हाउ. तो देखो एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे समझे, एडवर्ब ऑफ टाइम कौन से वर्ड को बताते हैं जो कि टाइम ऑफ एक्शन को बताएगा. जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ही अराइव्ड, देख रहे हो आप व्हेन, टुडे, टुडे इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक, he went where, there is an adverb of place. He went where, to the market is an adverb of place. Getting it or not? अब जैसे बताएंगे अभी he fought, how? Bravely, bravely is an adverb of manner. बस यही सब वर्ड जो है इनको एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस और मैनर कहते हैं. क्लियर हो गया? अब बता गया है कि ये जो 3 टाइप ऑफ एडवर्ब है जो अभी हमने डिस्कस किया, ये क्या करेंगे ना, हम इनको एक सेंटेंस में आइदर वर्ब के बाद या फिर अगर वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं. ठीक है ना? यानी कि जैसे यहाँ पे है ही अराइव्ड टुडे, डायरेक्ट वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट आ गया. लेकिन अभी सेकंड पे फोकस करो, आई सॉ हिम टुडे. तो यहाँ पे हम टुडे को वर्ब के बाद डायरेक्ट लिखेंगे, होगा क्या? हम ऐसे लिख सकते हैं आई सॉ टुडे हिम? ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल बनता है अगर एडवर्ब के बाद, सॉरी वर्ब के बाद अगर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो या प्लेस हो या मैनर हो, वो तीनों आएगा. ठीक है ना? ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इनको हम नहीं लिख सकते. बस यही है. आपके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ही अराइव टूडे, नो ऑब्जेक्ट. ही आई सॉ हिम टूडे, आफ्टर ऑब्जेक्ट. ही वेंट देयर, डायरेक्टली आफ्टर वर्ब. ही सेंट हिज सन देयर, आफ्टर ऑब्जेक्ट. ही फॉट ब्रेवली, आफ्टर वर्ब. He fought the lion bravely after object. Clear हो गया? ये हो गया हमारा पहला रूल. I hope आप इसको समझ चुके हैं. सेकंड में देखिए, सेकंड में रूल में क्या बताया गया है ना, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं उनका लिस्ट दिया गया है, फिर उनके पोजिशन के रिलेटेड रूल को एक्सप्लेन किया गया है. जैसे कि यहाँ पे कुछ एडवर्ब देखिए, seldom, hardly, always, rarely, ये सब वर्ड को हम क्या बोलेंगे, इनको बोल सकते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी मतलब कैसे समझे, हाउ मेनी टाइम्स. अच्छा समझो, मैं बोलूं हाउ मेनी टाइम ही गोज टू टॉयलेट, फ्रिक्वेंटली. अगर फ्रिक्वेंटली मतलब क्या बन गया, ये एक हाउ मेनी टाइम्स का कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं. तो यहाँ पे ये सब एडवर्ब फ्रिक्वेंसी बनते हैं. तो एडवर्ब फ्रिक्वेंसी के रूल्स क्या है ना, अगर हम इनको देखो, जो भी सेंटेंस में लिखेंगे मेन वर्ब से पहले लिखते हैं. जैसे कि मान लो देखो, सिंपल यहाँ पे देखो, ही ऑलवेज कंप्लेंस, है कि नहीं. He always complains, हम लिख सकते हैं He complains always. We cannot write like that. तो main verb हो गया ना, main verb से पहले आ गया. अभी मान लो helping verb plus main verb, ये तो लिखा है ना, to be का मतलब क्या होता है, is, am, are, was, were, be, been, being, बस वही होता है ना. तो क्या आएगा, ये helping verb के बाद और main verb से पहले आएगा, मतलब middle position में आएगा. जैसे कि मान लो इसको मैं present continuous में convert कर लिया, कैसे लिखा, He is always complaining, ऐसे लिखा कि नहीं. कभी कभी अगर सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो और एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव से पहले आएगा. जैसे कि ही इज ऑलवेज लेट, समझ रहे हो कि नहीं. तो यहां पे लेट क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया ना, ही इज ऑलवेज लेट. तो आप देख सकते हो ये जो वर्ड है ये 3 पोजीशन उसका जनरली है. पहला आता है मेन वर्ब से पहले, दूसरा आएगा एडजेक्टिव से पहले, ये तीसरा नंबर के बारे में बात कर रहा हूं,
दूसरे में क्या गया, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ये आ गया, ठीक है ना, बिफोर द मेन वर्ब, ये उसका तीन रूल है। अभी यहाँ पे जो नोट है, ये नोट आपको क्या कर रहा है ना, ये जो रूल है इस रूल का कुछ एक्सेप्शन बता रहा है। मान लो अभी हमने ऑलवेज और ऑफन यहाँ पे लिखा है, ऑलवेज को हमने क्या लिखा, यहाँ पे ऑलवेज हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा, लेकिन अगर सेंटेंस में हैव टू आता है तो ऑलवेज जो है हैव टू से पहले यूज किया गया। देखो एग्जाम्पल, वी ऑलवेज हैव टू वेट ए लॉन्ग टाइम, आप ऐसा नहीं लिख सकते We have to always wait for a long time. ऐसा लिखना एरर हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा We always have to wait a long time. Second example को देख लो, I often have to go to my village. क्यों? क्योंकि यहाँ पे have to जो है ये keyword है, अगर have to है तो adverb of frequency उससे पहले आएगा, ठीक। अब दूसरे नोट में चलेंगे तो ये बता रहा है कि एक जो adverb है जिसका हम hardly, hardly ऐसे बोलते, hardly का मतलब क्या, never के sense में आता है, ठीक है ना, always का opposite में आएगा। Hardly जो है डिफरेंट सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार डिफरेंट पोजिशन एक्वायर करता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, देख लीजिए आप, यहां देखो, ही एट हार्डली एनीथिंग ऐसा लिख सकते हैं, ही हार्डली एट एनीथिंग लिख सकते हैं, हार्डली डज ही ईट एनीथिंग, तीनों के तीनों सही है। तो यहां से हमें क्या पता चला, जो हार्डली होता है वो डिफरेंट सेंटेंस के मीनिंग अनुसार डिफरेंट पोजिशन पे आता है। वो जो टाइम प्लेस और मैनर वाला पहला वाला हमने बताया था, वो भी कभी कभी हम क्या करें सेंटेंस के बिगिनिंग में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा टुडे ही फिल्ड हिज आईटी रिटर्न्स, हो गया कि नहीं, हियर कम्स द अंडरटेकर लिख सकते हैं कि नहीं, स्लोली ही एंटर द रूम ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट, ये जो पोजिशन होता है अगर हम जनरली बताएं तो ये एक्चुअली सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्लियर। अब चले क्वेश्चन थ्री, रूल थ्री की तरफ चलिए। ये रूल थ्री जो है ये क्या बता रहा है, यहाँ पे कुछ एडवर्ब देख रहा है, देखो Almost, quite, just, to, इनको क्या कहते हैं, इनको कहेंगे adverb of degree. Degree मतलब how much? It is hot. How much? Too much. तो यहाँ पे ये जो हो गया to, ये क्या बन गया adverb of degree बता रहा है, either positive में आएगा या negative में आएगा। अब ये जो word है to, अब ये to का भी meaning देखो, sentence के अनुसार भी depend करेगा, लेकिन पहले simple uses. तो ये क्या लिखा है, ये जो वर्ड होते हैं ये जिस एडजेक्टिव जिस वर्ड को मॉडिफाई करते हैं उससे पहले लगता है। जैसे कि इट इज टू हॉट, ही रेड्स क्वाइट लाउडली, ठीक है ना। अब इसको फोकस करो, ये लाउडली एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पे क्वाइट जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब इससे पहले लगेगा। अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे आर एन डी करके, क्या करेंगे, ही रेड्स लाउडली क्वाइट, आंसर गलत हो जाएगा, इट इज नॉट वर्किंग। लेकिन टू में इट इज टू हॉट, इट इज हॉट टू, दोनों लिखना सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोजिशन चेंज करने से सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। टू का मतलब दो होता है ना, टू का मीनिंग ऑल्सो आता है, टू का मीनिंग एक्सट्रीम आता है। तो क्योंकि टू का मीनिंग डबल है इसीलिए उसका पोजिशन चेंज करने से कभी कभी सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। सो इसीलिए उसके पोजिशन के साथ हम कुछ इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल आप देखें, ही रीड्स क्वाइट लाउडली, यहाँ पे क्वाइट का पोजिशन आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, अनग्रामेटिकल हो जाएगा, क्लियर। अब चलेंगे क्वेश्चन फोर में। क्वेश्चन फोर जो है ये होता है एडवर्ब का फेमस एमपीटी रूल। एमपीटी, एम माने मैनर, पी माने प्लेस, टी माने टाइम। क्या रूल का मतलब है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के बाद मेरे को तीन एडवर्ब यूज करना है, मैनर, प्लेस, टाइम। कैसे लिखूंगा, सबसे पहले आएगा मैनर, उसके बाद आएगा प्लेस, उसके बाद आएगा टाइम। इधर उधर करने से एरर आ जाएगा। समझते हैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से। यू स्पोक हाउ, हाउ मतलब मैनर आ गया, स्लोली, वेयर एट द मीटिंग, प्लेस आ गया ना, व्हेन यस्टरडे, टाइम आ गया कि नहीं, एमपीटी रूल अरेंजमेंट है। शी इज क्राइंग हाउ लाउडली, वेयर एट द मीटिंग, व्हेन, नाउ, आ गया कि नहीं कॉन्सेप्ट। तो अभी हमने क्या समझा, एमपीटी रूल के यूजर्स को देखा। अभी रूल फिफ्थ में चलेंगे। तो ये जो रूल फिफ्थ है कुछ मायनों में ये रूल फोर का एक्सेप्शन कह सकते हैं। कैसे ना, यहाँ पे एमपीटी में से टी को हटा दो, एमपी क्या समझे, पहले आएगा मैनर फिर आएगा प्लेस। लेकिन ये जो रूल है फाइव ये रिवर्स में चलेगा, पहले आएगा प्लेस फिर आएगा मैनर। ऐसा कब होगा ना, ये वर्ब की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पे वर्ब कम या गो ऐसा लिखेंगे तो पहले आएगा प्लेस उसके बाद आएगा मैनर। एग्जाम्पल देख लीजिए, द स्टूडेंट्स वेंट वेयर, होम, हाउ, क्विकली। देखो यहाँ पे रूल चेंज हो गया कि नहीं,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है कम गो, मतलब जिसको हम कहेंगे वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, उसके बाद सबसे पहले आ जाता है आपका प्लेस, उसके बाद आ जाता है आपका टाइम। आप इसको रिवर्स करके लिख सकते हो, द स्टूडेंट्स वेंट क्विकली होम, नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर? सो रूल 5-6 वी आर डन। अब चलेंगे रूल 7 की तरफ, सॉरी रूल 4-5 क्लियर हो गया था, क्यों अभी रूल 6 में चलेंगे। ये जो रूल है ये आता है रिलेटेड टू रूल ऑफ टाइम। अभी टाइम के लिए मेरे को 3 फ्रेजेस लिखना है। टाइम मतलब कैसा हो सकता है? टुडे हो सकता है, संडे हो सकता है, हाँ 6 o'clock या 5 o'clock अगर मैं लिखूं तो हो सकता है, ठीक है 1971। ये सारे के सारे टाइम ऑब्जेक्ट है कि नहीं, लेकिन इनका अरेंजमेंट ऑर्डर होता है कि नहीं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो पहले लिखूंगा 5 o'clock, फिर मैं लिखूंगा टुडे या फिर संडे, फिर लिखूंगा ईयर। तो मैं अगर 3 टाइम ऑब्जेक्ट को यूज करता हूं या फिर 3 एडवर्ब्स ऑफ टाइम को यूज करूंगा तो उनका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखूंगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, ओके देखिए क्या लिखा है, आई वॉज बॉर्न एट 5 o'clock, उससे बड़ा इन द मॉर्निंग, कब, ऑन मंडे, कौन सा ईयर, इन 1971। अच्छा यहाँ पे ऑन लिखा है, ये ऑन नहीं होगा, यहाँ पे इन होगा, ठीक है, इन 1971। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एडवर्ब ऑफ टाइम अगर मोर देन 1 है तो हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर लेते हैं। क्लियर? चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी देखो यहां पे लिखा गया है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, स्प्लिट इंफिनिटिव। स्प्लिट इंफिनिटिव मतलब होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, भर जो होता है वो 2+V1 आता है कि नहीं, ऐसा लिखेंगे चलेगा, लेकिन स्प्लिट इंफिनिटिव मतलब 2+adverb+V1 ऐसा आता है, मतलब इंफिनिटिव के बीच में हमने एडवर्ब को प्लेस कर लिया। तो ये जो है ये ग्रामेटिकली इसको एरर माना जाता है। स्पोकन इंग्लिश में तो बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली रिटन इंग्लिश में पर्टिकुलरली SSC में क्वेश्चन आता है तो स्प्लिट इंफिनिटिव के ऊपर पक्का आएगा, वहां पे ये एरर है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, एडवर्ब को इंफिनिटिव के बीच में नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, देखो आई अर्ज यू टू स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट द ऑफर, तो ये वाला आप देख रहे हो ना, टू रिजेक्ट भी वन हो गया, स्ट्रॉन्गली एडवर्ब है वो उसको बीच में ला गया, वो एरर है। उसको करेक्ट कैसे करें, ये स्ट्रॉन्गली को आप लास्ट में लेके लिखो, आई अर्ज यू टू रिजेक्ट द ऑफर स्ट्रॉन्गली, ऐसा लिख सकते हो, या फिर स्ट्रॉन्गली को इधर आ जाओ, आई स्ट्रॉन्गली अर्ज यू टू रिजेक्ट द ऑफर, ऐसे भी लिखने से चलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।